नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। देश के सबसे बड़े और पॉपुलर रियलिटी क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति के 15वें सीजन का आगाज हो चुका है। सोमवार से शुक्रवार तक शो को सेम स्लॉट पर टेलीकास्ट किया जाएगा और इसके अलावा आप इसे सोनी लिव ऐप पर भी जाकर देख सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी नए सीजन में कई नए बदलावों के साथ केबीसी शुरू किया गया है। शो की टीम ने बताया कि इस नए सीजन में कंटेस्टेंट्स को एक सुपर संदूक दिया जाएगा। इस संदूक की मदद से वो अपने घाटों को रिकवर कर सकते हैं। साथ ही इस बार देश का सवाल नाम से भी एक नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें हर एक एपिसोड में देश के आम लोगों से एक सवाल पूछा गया है और उसका जवाब केबीसी के सेट पर मौजूद ऑडियंस को देना होता है। इस सेगमेंट का मकसद व्यूअर्स की इंगेजमेंट को बढ़ाना भी है। पुरानी लाइफलाइंस के साथ डबल डिप लाइफलाइन भी शुरू हो गई है और जबकि जो 50-50 पहले लाइफलाइन हुआ करती थी उसको रिमूव कर दिया गया है। इस सीजन में ऑडियंस को भी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का मौका मिलेगा। केबीसी, हम आपको बता दें कि हु वॉन्ट्स टू बी अ मिलियनेयर जो एक विदेशी शो था उसका हिंदी वर्जन है। अमिताभ बच्चन इस शो को साल 2000 से ही होस्ट कर रहे हैं। तीसरे सीजन में शाहरुख खान ने भी शो को होस्ट किया था। 2013 में आए सातवें सीजन में प्राइस की कीमत 7 करोड़ तक कर दी गई थी, वहीं 14वें सीजन में कीमत को बढ़ा करके 7.5 करोड़ रुपए कर दिया गया था। अमिताभ बच्चन ने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा है कि केबीसी हमेशा से ही ज्ञानदार, धनदार और शानदार रहा है। 15वां सीजन थोड़ा हटकर हो, इसके लिए हम लगातार प्रगति कर रहे भारत और यहाँ के नागरिकों के बड़े सपनों को इसमें दिखाएंगे। बिग बी ने आगे बताया कि ये शो उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है और वो लोगों से बातचीत करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। केबीसी में इस बार जो नए बदलाव लाए गए हैं उनको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।